कपड़े धोए जा रहे हैं, मुरझा जाते हैं अभी तक। तुम भी जल्दी जल्दी कर लो। इसको तो मैंने नलाया फिर। ये माँ का प्यार है। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग। अभी हो रही है सुबह की शुरुआत मम्मी की डस्टिंग के साथ मेरी व्लॉग शुरू करने के साथ। वॉशिंग मशीन लगा रखी है, अभी कपड़े धोए जा रहे हैं। एक्सरसाइज करते हो आप यहाँ पे? काफी टाइम मिल गया तो करते हैं, तो नहीं करते किया करो यार। हाँ, जय हो सूर्यदेव भगवान। मम्मी बढ़िया धूप आ रही है, हल्की हल्की। बाबू को धूप लगवा लो। बाबू को तो यहाँ पर लगाऊंगी। यहाँ पर धूप लगा के बाबू को। कल पूरा दिन नीचे ही निकल गया, छत पे मैं आई नहीं। जस्ट अभी आई हूँ, पौधों में पानी डाला जा रहा। कितने प्यारे हो रहे हैं देखना। ये तो आंटी ने इतने दिन शाम लिए। अभी जब मम्मी वहाँ गए हुए थे ना जलंधर, तो हमारे बगल वाले जो दादी हैं वो पानी डाला करते थे। मम्मी चाबी उनको लेके गए हुए थे घर की, तो वो डेली पानी डालते थे पौधों में। तो मुरझा जाते हैं अभी तक, एक हफ्ते में तो ही मर जाते हैं। परसों ने उस दिन बोला नहीं था, कहाँ गई थी मम्मी सर? उस दिन पाके गए थे वे। फिर एक दिन तो हम रहे हूँ। तीसरा दिन मैं यहाँ आ गई, तू देखनी बिल्कुल ही खत्म हो गया। मैं बैंगन लग रही थी बैंगन मेरे। हाँ हाँ, एक दिन में मुरझा जाते हैं। धूप कितनी गंदी हो रही है, गिरा पड़ा था ये। इसीलिए कहते हैं कि पड़ोस अच्छा होना बहुत जरूरी है। पड़ोस अच्छा हो तो आधी जिंदगी सुधर जाती है। ब्लॉग एडिट कर दिया था मैंने, आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी कर दिए थे। फ़ोन का कामकाज निपटाने के बाद नहाकर भी तैयार हो चुकी हूँ मैं। कपड़े जो धोए थे ड्रायर में सुखा के, वो सभी पीछे भी डाले हुए सूखने के लिए। जो कुछ कपड़े सूख चुके हैं वो अंदर भी डाल दिए हैं। मम्मा ने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कपड़ों का रंग ना उड़ जाए कहीं। देखो, जो कपड़े हल्के हल्के सूख गए थे वो सब अंदर ग्रिल में डाल दिए हैं। अभी जो हल्के से गीले हैं वो बाहर हैं। धूप बहुत कैड़ी हो रही है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है। ये जो मैंने सूट पहना हुआ है, ये ना मैं पांडव नगर से लेकर आई थी बुद्ध बाजार से। अभी जब कुछ दिन पहले मैं आरती और मम्मा गए थे, जब जोशी जी गुस्सा हो रहे थे उस दिन, तो मैं फुल लुक आपको दिखाऊंगी नीचे जाके। तो नाइट सूट टाइप पे इतना कम्फर्टेबल कपड़ा है ना, ऐसे मानो कि ऐसे लग ही नहीं रहा कि कपड़े पहन भी रखे हैं। इतना हल्का हल्का फील हो रहा है। गर्मी के हिसाब से बहुत बढ़िया है ये सेट। मम्मा रिसोर में लगे हुए हैं अभी ब्रेकफास्ट तैयार करने। गुड मॉर्निंग मम्मा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज क्या बन रहा है? बन रहा है मिस्से परोटे। मिस्से परोटे। हाँ जी, क्या बोल रहे थे बताओ? ऊपर जो कपड़े थे बाहर ना, वो अंदर करने से लगे तुम? नहीं, वो भी ठीक है। आइए, ये है मेरी आज की फुल लुक। बहुत कंफर्टेबल कपड़ा है, मज़ा ही आ गया इसे पहन के। गर्मी हो रही है, बाल सुखाने भी हैं, बाल खुले छोड़ने पड़ेंगे सुखाने के लिए, और पसीने भी आ रहे हैं, ऐसे से हाल समाचार हो रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है ना, जो दो मुहे बाल है ना वो कटवा दूँ नीचे से। आप बताना कमेंट्स करके, क्या ये मेरा डिसीजन सही है? कटवा दूँ? सिर्फ दो मुहे बाल कटवाऊँगी, ज़्यादा नहीं कटवाऊँगी। मिस्से पराठे, भांग की चटनी, नमकीन लस्सी, क्या बात है। मम्मी मौज कर दिया आज तो आपने। अभी सब्जी खानी है, पड़ी है शिमला मिर्च वाली कल की खत्म हो जाएगी, वो भी खा लेते हैं ना। मम्मा बाबू की याद आ रही है। आज के व्लॉग में मम्मा नहलाने वाली हैं बाबू को। कितना सुंदर लगता है ना, मैं खेत व्लॉग कितनी अच्छी चीज है ना। अब उम्र भर के लिए मेमोरी रह गई है कि हाँ, पहली बार ऐसे नहलाया था बाबू को। मैं बाद में जाऊंगी तो देखूंगी तो सही। आपको तमीज तो है नहीं बिल्कुल भी बात करने की। जल्दी जल्दी कर लो, तुम्हारे बच्चों को भी नहला कर जाऊंगी, याद तो आएगी। ये चौथी ची गुड़िया रानी को रुला दिया। ये मेरी लाडो है, मेरी लाडो रानी है। लाडो लाडो कितना काला वाला लग रहा है मेरा लाडो का। सिर काला ही लगेगा, सिर आपका भी काला ही लग रहा है। बाल होते हैं सिर में, सिर काला ही होता है। नहीं, यहाँ माथा माथा। वो भी दिन था मम्मी और बाबू को नहला रही थी, ये भी दिन है मम्मी अपने बाबू को खाना खिला रही है। वो भी ऐसे ही नहलाया था, ऐसे जैसे इसको नहला रहे हो बाबू को? क्यों छोटे, वो तो मेरे सास ने करे थे दोनों को, राकेश को भी।
और गिरीश को भी। आपने अपनी सासू माँ से सीखा बच्चों को नहलाना? हाँ वो नहलाते थे पहले, ऐसे नहलाते होंगे, फिर आपने सीखा, फिर आपने किया। इसको तो मैंने, गिरीश को तो मैंने नहलाया, फिर सास और काम करते थे, राकेश को उन्होंने किया, मैं फिर पहला बच्चा था ना। मेरे को आपने नहलाया? हाँ, फिर यहाँ कोई था ही नहीं, तभी मैं भी इतनी इतनी सी थी। अब मैं अपनी मम्मी से डबल हो चुकी हूँ। मेरी मम्मी की सेहत पहले ठीक थी यार, अब जब से बीमार हुई ना तब से ज्यादा पतली पतली। अरे मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं है, हिम्मत होती मैं तेरे को कहती रह जा रह जा रह जा, मैं हूं ना आपकी हिम्मत, रह जा रह जा रह जा, मोटी तगड़ी हिम्मत। जल्दी जल्दी वीडियो रुक गई है मम्मी की, खुद ही हंसी जा रही है देख देख के, कह रहे मेरे को क्या हो गया। चल बड़ी जरूरी भागे। 11 बजे यहाँ पे अभी तरबूजा काटा जा रहा है, या दोपहर का नाश्ता। मम्मा को उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। और ये बात मैंने बिल्कुल सही बोली थी, जब फैमिली का डाउट था मेरा बिल्कुल भी नहीं था, मैं सच में सरप्राइज था ना मम्मा, आपको बिल्कुल भी नहीं पता था ना मैं आ रहा हूँ। मी क्यूटी बॉय। दोपहर के बज चुके हैं अभी 2, बाहर बैठी मैं फोन पे एडिटिंग का काम कर रही थी, रील्स एडिट करनी थी कुछ मेरे को, और मम्मा ने थोड़ी देर अपनी हल्की सी झपकी ले ली, उठ गई हैं, छत से कपड़े लाकर कपड़े तह कर दिए हैं, संभाल दिए गए हैं कपड़े, इनको तबीयत ढीली ढीली सी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम के समय ना एक बार डॉक्टर को दिखा के आते हैं, बीपी बढ़ कम ना कुछ रहा हो, बढ़ी रहा होगा कम तो क्या ही होगा। नहीं नहीं, एक तो थकान भी हो जाता है ना, नींद पूरी नहीं होती है, तब भी हो जाता, तब भी हो जाता ना, तब भी हो जाता, थकान के चक्कर में भी हो जाता है। और अभी एसी की सर्विस करवानी है, अभी आपने देखा था कि जब पुअर आए थे तो हमने ऐसी एसी ऑन कर लिया था, उससे पहले भी एसी ऑन किया था मम्मा आपने? नहीं, तो उसी दिन एसी ऑन किया था जब हम लास्ट आए थे जोशी जी और मैं, तब भी हमने एसी ऑन नहीं किया था, इसी चक्कर में कि सर्विस नहीं हो रखी, तो उस दिन मैं इनको बोल भी रही थी कि अगर आपके पास टाइम होता तो एक दिन और रुक के एसी की सर्विस करवा लेते, लेकिन उस दिन काम था इनका तो मैं जल्दी जल्दी में जाना पड़ा था। तो कल ही मैंने मम्मी को बोला था, भैया रहते हैं एक दो मोड़ आगे, उनको बोला था वो करते हैं एसी की सर्विस का काम, तो भैया बोल रहे थे कि अभी आज टाइम नहीं है कि कल को आऊँगा करके, आ गए। तो सुबह मैं घर जाके बोल के आई थी कि भाई कर दो, तो सुबह बोल रहे टाइम नहीं, दोपहर में लंच टाइम में आऊँगा तो कर दूँगा, तो मम्मी बोल रहे कि भैया आ गए हैं तो अभी एसी की सर्विस करवा लेते हैं, तभी एसी चलाना सही लगता है, चलाने को तो खैर दुनिया ऐसे भी चला रही है, पर अपना मन नहीं मानता कि पहले एक बार एसी की सर्विस करवा लो उसके बाद फिर एसी यूज़ करो। बाल्टियाँ दे दो, दो बाल्टियाँ फिर कपड़े साफ कर मीठी। कितनी मिट्टी जमी पड़ी थी देखो, इतनी सारी मिट्टी निकली है। हाथों हाथ वाइपर मार दिया ना तो सही हो गया सिस्टम, क्योंकि फिर धूप इतनी तेज हो रही है, जम जाती सारी मिट्टी वहीं पे। चलते हैं नीचे। बढ़िया तरीके से एसी की सर्विस हो गई है, अभी अभी हम पियेंगे कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वाली पार्टी होगी। जो एसी की सर्विस करने आए हैं ना वो हमारे नॉन्टू ही हैं, पड़ोसी हैं हमारे।
भाई लोग फटाफट से कोल्ड ड्रिंक पी के चले गए, नमकीन वगैरह कुछ उन्होंने ली नहीं। हम तो उनको बोल रहे थे आराम से बैठो क्योंकि उनको आगे भी काम है, फोन पे फोन आ रहे थे, सबको अपना अपना काम देखना पड़ता है। मात्र आधे घंटे का काम था, 2 बजे लोग आए, जब मैं बोल रही थी 2:30 बज रहे हैं अभी, सिर्फ आधे घंटे का काम था। लेकिन भाई अगर काम ना हो तो फिर काम अटक ही जाता है। और मेरा यहाँ मेन रुकी मैं यहाँ पे, उसका एक तो ये था कि कल जो हम सब्जी वगैरह लेके आए वो लेकर आनी थी, मम्मी के लिए नहीं ला पाते। दूसरा मेन काम ये था कि एसी की सर्विस करवानी थी, कब से लटक रही थी, तो ये वाला काम भी अभी हो चुका है। अब मम्मी अब हम पार्टी करेंगे। बढ़िया कूलिंग हो रही है ना, अब माहौल सही बन रहा है कमरे का। आपने उन्हें अपने हाथ से बढ़िया करो। उन्होंने भैया ने कोई बंदा भी नहीं भेजा, पिछली बार कोई और भेजा था, कुछ टूट टूट गया था ना सामान। नहीं उनके हाथ इनका एक्सीडेंट नहीं, जो हमारा टूट गया था नट ऊपर वाला है ना, 3 गुंडे तो ये भैया के उसमें हाथ में फ्रैक्चर हो रखा था, खुद नहीं आए थे करने के लिए, इन्होंने अपना बंदा भेजा था, उसने बताया भी नहीं। वो करते समय ना एसी की सर्विस करते समय उनसे कोई नट वगैरह टूट गया था, वो टूट गया यहाँ पे ऊपर ही रख के चले गए, उन्होंने बोला भी नहीं कि मुझसे नुकसान हो गया करके। बंदा डांटता है दूसरा भाई बोलेगा ये जिसका नुकसान होगा। तो मम्मी ने फिर बाद में इनको घर जाके कंप्लेंट की थी कि भाई तोड़ के वो चले गए, उन्होंने बताया भी नहीं करके। ऐसे ऐसे गुस्सा तो आता ही है भैया, जब नुकसान होगा तो क्यों नहीं आएगा गुस्सा। फिर इस बार भैया खुद ही आए फिर सर्विस करने के लिए, ताकि शिकायत का मौका ना मिले। हाँ तो सही है, अपने बंदे पे भरोसा होता है, दूसरे को कुछ बोल भी नहीं सकते ना। मम्मी कह रहे हो कोई नया लड़का होगा, भैया कह रहे नहीं नया लड़का तो नहीं था, कई बार किस्मत ही खराब हो जाती है, हो जाता काम गलत हाथ भी देखा जा रहा है। साथ में यहाँ पे तरबूजा खाया जा रहा है, जो मम्मा ने सुबह काटा था वो अभी हम लोग खा रहे हैं, फ्रिज में रख दिया था। मीठा तो कुछ खास हो नहीं रहा, समय समय सा हो रहा है ना। आज सुबह मैंने सिर धोया है, सुबह के वैसे भी मैं बहुत कम तेल लगाती हूँ सिर पे, चंपे वगैरह तभी करती हूँ जब मुझे सिर धोना होता है। जैसे कि मुझे कल सिर धोना है तो मैं आज शाम को लगा लूंगी, ऐसे मैं करती हूँ। लेकिन अभी पिछले पता नहीं कितने टाइम से मैंने बालों में तेल लगाया ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता, पता नहीं जिंदगी चल कैसी रही है। मम्मी कह रहे तेल लगा दूं, पहले मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने कहा चलो लगा दो यार। नहीं ज्यादा नहीं लगा रही हूं, थोड़ा नहीं, अब लगा रहे तो लगा ही दो, कोई बात नहीं। चंपू नहीं कर रही हूं, चंपू तो करना है। नहीं तो लग गया तो मेरे तो वैसे चंपू होता है, 2-3 दिन बाद ना सिर मेरे अपने आप ही पता नहीं कैसे मेरे हेयर है अपने आप ही ऑयली ऑयली से हो जाते हैं, है ना मम्मी। ऐसे लगता मैंने कितना तेल लगा रखा, जबकि मैं तेल की एक बूंद भी नहीं डालती हूँ, फिर भी ऐसे लगता है कि तेल लगा रखा है बालों में। 2-3 दिन बाद अपने आप ही ऑयल सा निकलता है बालों में से। ये बाल इतने बड़े मम्मी ने पाल पाल के करे, उसके बाद मैंने तो इनकी धज्जियाँ उड़ा दी थी, लेकिन अब दोबारा से पाल रही हूँ इनको। हाँ मैं मेरा मन कर रहा 2 मुहे बाल मैं काट दूँ, क्या कह रहे हो? काट दूँ, हैवी भी काफ़ी हो जाते हैं ना यार मेरे बाल, ना जैसे होता है ना बाल भारी है जैसे कहते वैसा बाल है। सब लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट्स में भी पूछते हैं, लाइव जैसे कोई मिलता है सभी बोलते हैं कि बालों की आपकी ग्रोथ अच्छी है, अच्छे हैवी है बाल, क्या करते हो क्या लगाते हो। मम्मी प्रूफ है, बचपन से ही मम्मी ने मुझे सिर्फ क्लिनिक प्लस शैम्पू लगा के पाला पोसा। शर्मा परिवार में बहुत बढ़िया, इसकी बुआ है जो उनके बहुत अच्छे, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैं मेरी बुआ पे गई हूँ, है ना मम्मा। बुआ में तो गई, दांत भी बुआ में, मेरी बुआ के दांत भी ऐसे हैं, मेरी बुआ के बाल भी ऐसे हैं, और मेरी बुआ फिजिकली भी ऐसी है देखने में। कभी मैं गदरपुर जाऊंगी तो जरूर आपको मिलवाऊंगी। और मैं उनकी बुआ की जो बड़ी बेटी है दीदी और मैं, हम दोनों की हरकतें बिल्कुल डिट्टो है, सेम है। मैं मेरी शादी से पहले हम लोग गए थे वहां गदरपुर, तो उस समय उनसे मिली थी, वो फर्स्ट मीट थी मेरी, मैं जब अपनी बहनों को मिली थी उस समय, क्योंकि बुआ के वहां हमारा कमी आना जाना हुआ शुरू से ही, बदरपुर मामा और के वहां, चाचा और के वहां, फरीदाबाद वहीं जाते थे ज्यादा हम, तो ऐसा ही था शुरू से। मेरे को तो पता ही 10th 11th में जाके लगा था कि मेरी बुआ भी है करके, वो आते राखी वगैरह बांधते तो पता होता। तो उसमें जब हम शादी में गए थे उसके बाद से बातचीत हमारी शुरू हुई। अब तो बुआ भेजती है राखी, है ना मम्मी, राखी भेजते हैं। हाँ। उसके बाद ही वो राखी उन्होंने भेजना शुरू किया, फिर हम लोग पैसे गूगल पे मम्मी करवा देती हैं, तो उनको उनका शगन पहुंच जाता है, पापा के पास पापा की राखी पहुंच जाती है। तो रिश्ते अगर मिलोगे जुलोगे बातचीत करोगे तभी आगे बढ़ते ना। कल रात बुआ की वीडियो कॉल आई ना अपने आप मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं उन्हें हर बार करते, पहले भी किया, मतलब मैंने अपनी आंखों से पहली बार ऐसे देखा ना कि बुआ की वीडियो कॉल आ रही है। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो मैं तो भाई अपनी बुआ पे गई हूँ और मुझे बहुत प्यारी लगती है मेरी बुआ। वहां से जब मैं कई बार नाइट में मम्मी नहीं फोन उठाती तो मैं घूमते घूमते बुआ से भी फोन पे बात कर लेती हूँ। इतने दिनों बाद आज यहाँ पर मेरा हेयर स्टाइल बनाया जा रहा है मम्मी द्वारा। मम्मी कह रही बालों में लग चुका है तेल, और जो लगाने वाले टिक टिक वाले क्लिप होते हैं वो फिलहाल हमारे पास है नहीं। गाजियाबाद में मेरे पास इतने सारे क्लिपों का ढेर पड़ा है, लेकिन अब उस ढेर का मैं क्या करूँ क्योंकि मैं पटियाला में हूँ, तो फिलहाल वो मेरे काम आएंगे नहीं। अब क्लिप तब आ सकते हैं जब हम बाहर मार्केट में जाएंगे, तो मगर फिलहाल मैं ट्राई करती हूँ कि बिना क्लिप के अगर कुछ बन जाए। तो एक ही चुटिया सी यहाँ बना दी है मम्मी ने, एक चुटिया सी यहाँ बना रही हैं,
मैंने कहा मम्मी जैसा मर्जी बना दो, तुम मेरे को कार्टून भी बना के ले जाओगी ना, मैं तब भी चलूंगी भाई, मेरी माँ ने बनाया माँ मेरा कुछ ही बना दे, मुझे कबूल है देखते हैं क्या होता है। खुद के बाल देखो कैसे बिखरे पड़े हैं, खुद का कुछ नहीं कर रखा, लेकिन हर माँ को ही होता है कि बेटी बन सवर के रहनी चाहिए भाई। सही लग रहा है मम्मी, बढ़िया लग रहा है, कुछ नहीं है, खाली है पिच्छू से, अच्छा लग रहा है। ऐसी करें बालों को देखेंगे, ये माँ का प्यार है और ये नसीब वालों को मिलता है। गुड इवनिंग मम्मा। गुड इवनिंग मम्मा ने भी अभी बाल वाल अपने बना लिए तेल वेल लगा के, और यहाँ पे अभी ये डायरी लेकर बैठी हुई है। क्या कर रहे हो आप? बेटा दूध का नहीं, मैं गिनती लिख लेती हूँ। ये देखो सारे शुरू से गिनती लिख लेती हूँ, जिस दिन आता है ये देखो उसमें प्लस लिख देती हूँ, या देखो जिस दिन नहीं आता है उस दिन काटा मार देती हूँ, या देखो ये देखो मेरी मम्मी की हैंड राइटिंग, अभी बैक कैमरे से आपको दिखा दूंगी। मम्मा मेरी स्कूल नहीं गई है, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी अपने लाइक कर लेती हैं। आज सुबह ही क्या हुआ, दूध वाले जो भैया हमारे आते हैं तो वो कहने लगे कि आंटी जी इतने किलो दूध हो रहा है। मम्मी कह रही नहीं इतने किलो नहीं है, इतने किलो दूध है। मैंने कहा मम्मी आपको कैसे? मम्मी कह रही मैं डायरी में सब नोट कर रखा है। मम्मी डायरी उठा के ले गई उसके पास बाहर, देख इतना ज्यादा आ रहा, 50 रुपए की गड़बड़ हो रही थी तो ये होता है कि हम भाई अपने लाइक सबको करना चाहिए। जिस दिन से मैं आई हूँ ना उस दिन से सनाया पीछे पड़ी हुई है कि बुआ रील बनानी है, रील बनानी है। तो अभी एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पे हम लोग रील बना रहे थे, इसको स्टेप याद नहीं हो रहे, इसको स्टेप याद कराते कराते आधा घंटा हो गया तकरीबन। और अभी यहाँ पे हमारे घर में आई है बसंती डार्लिंग। बसंती को मम्मी ने फीड दी है, फीड खा रही है आजकल। ये ना हमारे दूसरे पड़ोसी उनके वहाँ जाके रह रही है, इसने हमारा हमारा घर इसने त्याग दिया है। पहले अमृतसर चले गए, फिर दिल्ली गए, पहले फिर अमृतसर गए, फिर अभी जलंधर थे इतने दिन से। तो कभी यहाँ रहती है, कभी वहाँ रहती है, मिल बांट के सभी लोग पालन पोषण कर रहे हैं बसंती का। बसंती के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं हमारी गली में, तो सब खाना देते हैं। इनकी हेल्थ देखिए पता लगता है कि सब सही है ना भाई। yes. याद होगा डांस स्टेप बनाए रील। okay. शाम के 5 बजे अभी हम लोग निकलने लगे हैं घर से। मम्मा ने उठा लिया है थैला और बसंती के लिए मत जाओ। मैं नहीं जाऊँ मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, मेरा मन नहीं करता है कि घर से बाहर जाए, लेकिन अब वो भाई उसका नेचर है, उसको अच्छा लगता है घूमना। चले माँ। मम्मी कहाँ आए हो? दुकान में। क्या लेने आए हो? वैसे देखना आई हूँ मम्मी क्या लेने आई हैं, वो सरप्राइज है। बस आप देख लीजिए हम कहाँ बैठे हैं फिलहाल, तो कुछ लेने आए हैं, वो दिखेगा नामकरण वाले दिन, है ना, है ना, है ना। बाबू की दादी ने कर दी है शॉपिंग, अब कहाँ जाना है जी, हुक्म करो। और दुकान में जाते हैं सामान लेने। राशन राशन लेने पहुँच चुकी है माता श्री अभी। एक किलो राजमा, 1 किलो काले चने, 1 किलो चिट्टे चने। यहाँ पर सामान इकट्ठा किया जा रहा है। राशन ले लिया अभी हमने राशन की दुकान से। ये कट्टा इतना हैवी हो रहा था ना, मुझसे उठ नहीं पा रहा था। मैंने कहा चलो यहाँ तो हेल्प मिल सकती है भाई की, मैंने बोला भाई ने रख दिया स्कूटी के आगे, घर जाकर तो खुद ही उतारना पड़ेगा, जहाँ हेल्प मिलती है वहाँ ले लेनी चाहिए। चलिए अभी चलते हैं घर की तरफ। बड़ी मुश्किल से राशन का कट्टा उठा के अंदर रखा मैंने, बहुत हैवी हो रहा है। अभी सामान मम्मी कह रहे कुछ दालें वगैरह डब्बों में है, जब पूरी खाली हो जाएंगे डब्बे उसके बाद हम दाल वगैरह ट्रांसफर करेंगे। तो अभी वहीं पे रखा है हमने बाहर वाले स्टोर रूम में सारा सामान। और आज रात के खाने में मेरा फेवरेट खाना बनने वाला है नमकीन चावल। मम्मी बोल रहे आरती तू बना दे आज, मेरे को मम्मी काट पीट दूंगी सामान मैं, लेकिन खाऊंगी आपके हाथ का तड़का, आप ही मार देना। तो यहाँ पे अभी तड़के की तैयारी होने वाली है। नमकीन चावल बनाने के लिए सारी तैयारी मैंने कर दी है, तड़का मम्मा लगाएंगे। मम्मी अभी खा रहे हैं आंवला। और कमेंट करके बताना हमारे पहाड़ी भाई बहनों, बहुत ही प्यारा सा हमारा त्यौहार होता है उसमें हम ये बनाते हैं, क्या नाम है उस त्यौहार का, जो सबसे पहले सही रिप्लाई देंगे कमेंट में उनका मैं नाम लूँगी व्लॉग में, ठीक है। तो मौका मैं देती रहती हूँ व्लॉग में नाम लेने के, तो देखते हैं सबसे पहले किसका सही आंसर आएगा। अभी भी कुरकुरे हो रहे हैं ना। तड़का तैयार होने के बाद इसमें आलू और मटर डाल दिए गए हैं, ऐसे लग रहा है जैसे आलू मटर की सब्जी बन रही हो। नहीं अभी इसमें ऐड किए जा रहे हैं चावल, फिर भी ज्यादा बन गए।
मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा मटर ना थोड़ा ज्यादा डालना, मुझे ना नमकीन चावल में मटर ज्यादा अच्छे लगते हैं, चाहे आलू मत हो, आलू का कोई लेन देन नहीं, बस मटर होने चाहिए, वो भी ज्यादा ज्यादा से। मटर कहाँ से होते हैं? 100 रुपए 150 रुपए किलो मटर हो गए पता। फिर क्या हो गया, मेरी मम्मी बहुत अमीर है यार, नीता भट के घर में हूँ मैं, तभी तो मैंने ये लाई हूँ ना। मेरे ससुराल में हम जब भी चावल बनाते हैं हमेशा कुकर में बनाते हैं, और यहाँ जब भी बनाते हैं खुले बर्तन में, पतीले में, कढ़ाई में, ऐसे अलग अलग तरीके हैं बनाने के। बनाने के तरीके, नमकीन चावल इतने यम्मी बनाया मम्मा ने, इतने यम्मी बनाया ना मम्मी ने, मन कर रहा है ना मम्मी के हाथ चूमती रहूं। लव यू मम्मा, थैंक यू सो मच। यहाँ पर अभी व्लॉग देखा जा रहा है, थैंक यू थैंक यू। मम्मी की बेटी आरती बरजोशी का व्लॉग चल रहा है, दोमी लव यू मम्मा, थैंक यू। बहुत टेस्टी, सच में मजा ही आ गया। मंडी में भले इसकी बिक्री लग जाए, मम्मी इतनी सारी सब्जी कैसे बिक जाएगी, हमारे बस की हो रही है। दो ही जने घर में हम टाइम पे खाना बना के खा कर फ्री हो चुके हैं अभी, और आपके कमेंट्स की रिप्लाई कर रही थी मैं, तो काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आपने बोला था लेकिन ब्लॉग में नाम नहीं लिया। तो पहले हम वहाँ सफर में रहे काफी टाइम, तो कल के दिन ही मैं सिर्फ घर पे थी, वो भी नींद पूरी नहीं हो पाई। अभी भी बोलो तो मुझे अभी भी नींद आ रही है, नींद आज मैं टाइम पे सो जाऊंगी। और जिस दिन हम वहाँ से निकले थे तो उस समय मैंने आपको बोला था कि आप बताना कमेंट्स करके कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ की पैकिंग चल रही है, कहाँ की तैयारी चल रही है। तो जिनका सबसे पहले सही जवाब आया था उनका नाम है गुंजन सभी की, इन्होंने कमेंट किया था कि दी आप ब्रो से मिलने जा रहे हो, परी से मिलने जा रहे हो, गुरुजी मेहर करें। तो बिल्कुल सही जवाब था इनका। और सेकंड जो मैंने अभी पूछा था रिसेंट कल कि इतनी सारी सब्जी जो हम खरीद के लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं, तो आप लोग बताना कि क्या ऐसा स्पेशल होने वाला है हमारे घर में। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लेकिन उनमें से जिनका सबसे पहला कमेंट है और बिल्कुल सही जवाब जिन्होंने दिया है उनका नाम है प्रियंका शाह, क्योंकि भैया भाभी और मनु आ रहे हैं। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि अभी नामकरण होने वाला है इसलिए लेकर आए, और रिलेटिव आएंगे, कई कह रहे हैं कि गिशी और भाभी जी आने वाली हैं, तुम्हारी भतीजी आने वाली है, इसलिए बहुत सारे अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन सबका नाम ब्लॉग में ले पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो सबसे पहले सही जवाब देते हैं मैं उनका नाम लेती हूँ, और आज भी आज के ब्लॉग में भी मैंने आपसे एक सवाल पूछा है और उसका जवाब जो सही देंगे उनका नाम हम कल के ब्लॉग में लेंगे, मम्मा लेंगे उनका कल के ब्लॉग में नाम, जो सही जवाब देंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का ब्लॉग यहीं तक था। मम्मी के साथ बहुत प्यारे प्यारे दिन यहाँ पे मायके में मैं गुजार रही हूँ। एक बड़ा काम आज हो गया, एसी की सर्विस करवा ली हमने, और शॉपिंग फिलहाल हमारी चल रही है बाबू के लिए, छोटा छोटा सामान जो भी हमें चाहिए वो हम एंड में ही, मम्मी ऐसे मार रही है मुझे, नहीं बता रही कुछ भी, कि जो भी हमें सामान चाहिए हम ले रहे हैं धीरे धीरे, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगी, जब मतलब जिस दिन भैया भाभी और उन्हें आना होगा ना उससे एक दिन पहले, है ना, क्योंकि उस दिन शाम को आएगा तो उनको बताने लगेगा, वो देख नहीं पाएंगे, तो एक दिन पहले रिवील करूंगी मैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग जरूर बताएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द कल के फैमिली व्लॉग में, माँ बेटी के व्लॉग में। आइए आहा आहा।